सो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम आईडी पर आप जब इस फोटो को सेंड करते हो तो आपकी आईडी 3 दिन के लिए ब्लॉक या तो परमानेंटली डिलीट क्यों कर दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इस फोटो में ऐसा क्या है कि आपकी आईडी को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस फोटो को हमने सेंड किया है तो हमारी आईडी को परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप इस फोटो को एक बार सेंड करते हो तो आपकी आईडी को सिर्फ 3 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है। अगर आप इसे एक से ज्यादा बार सेंड करते हो तो आपकी आईडी को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है, परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमें चलना होगा अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे चलने के बाद हम इस फोटो को आपको सेंड करके दिखाएंगे। देखिए, हम अपनी फेक आईडी से यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन कर लेने के बाद हम इस फोटो को यहाँ पे सेंड करते हैं। ठीक है, देखिए हम इस फोटो को यहाँ पे सेंड कर देखिए दोस्तों इस फोटो को हम यहाँ पे अपने एक दोस्त के पास सेंड करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इस फोटो को सेंड कर रहे हैं। सेंड करने के बाद देखिए अभी यार दोस्तों फोटो सेंड हो रहा है क्योंकि हमारा नेट हल्का स्लो चल रहा है। ठीक है, सेंड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ फोटो सेंड हो चुका है। ठीक है, सेंड होने के बाद यहाँ पे यहाँ फोटो अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लोड इमेजेस टू गेट रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ फोटो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारी आईडी को 3 दिन के लिए ब्लॉक किया जाता है कि नहीं किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखो लिख कर आ गया है योर कॉन्टेंट हैव बीन रिमूव। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो कॉन्टेंट है उसे रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब ने। अब देखिए हम यहाँ पे बैक जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बैक आ चुके हैं। तो अभी तो अभी हमारी आईडी को 3 दिन के लिए ब्लॉक नहीं किया गया है। ठीक है, बट दोस्तों थोड़ी देर के बाद हमारी आईडी को यहाँ पे 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको दूसरी आईडी पे जाकर दिखा देते हैं जिसे हमारी आईडी को 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए दोस्तों इस आईडी पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम आपको चैट वाले सेक्शन में जाते हैं। ठीक है, चैट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपका लिख जाएगा योर कैन नॉट सेंड मैसेज फॉर 3 दिन। ठीक है, 3 दिन के लिए हमारी आईडी को बैन कर दिया गया है। ना तो हम किसी के पास चैट कर सकते हैं, ना हम कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। सिर्फ हम अपनी आईडी पे रील और स्टेटस लगा सकते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है समथिंग योर सेंट इन चैट वांट ओवर कम्युनिटी गाइडलाइन। ठीक है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इंस्टाग्राम के रूल के खिलाफ है इस फोटो को, इसलिए हम इस फोटो को सेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस फोटो को सेंड करते हो इस फोटो के तो आपकी आईडी को 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप इसे एक से ज्यादा बार सेंड करते हो तो आपकी आईडी को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बता दें इस फोटो में ऐसा क्या है जो आपकी आईडी डिलीट कर देता है या तो 3 दिन के लिए ब्लॉक कर देता है। इसमें यह एक आदमी खड़ा हुआ है जो हाथ में अपने पिस्टल पकड़ा हुआ है। ठीक है, इंस्टाग्राम के कुछ रूल के खिलाफ है, जैसे कि अगर आप कहीं पे भी बंदूक का यूज करते हो, किसी चीज़ का यूज करते हो, तो वह इंस्टाग्राम के रूल के खिलाफ होता है। इसलिए दोस्तों आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपको यह फोटो कोई भी बंदा या तो कोई भी आपका फ्रेंड सेंड करता है तो दोस्तों आप लोग इस फोटो को आगे मत सेंड कीजिए। ये फोटो आपको जहाँ मिले इसे तुरंत डिलीट कर, नहीं तो हो सकता है आपकी भी आईडी ब्लॉक हो जाए या तो फिर परमानेंटली डिलीट हो जाए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स, मैं वीडियो अच्छी